आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्लू स्टैक को किटकैट कैसे कर सकते हैं। ब्लू स्टैक को किटकैट क्यों करें? ऐसा कई बार होता है कि आप ब्लू स्टैक में कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उस वक्त में उसको एक्सेस नहीं कर देते हैं, कहते हैं ये एंड्रॉइड का डिवाइस नहीं है। इस समय आप ब्लू स्टैक को किटकैट करके कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस का सॉफ्टवेयर या एप्स यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम है अब्दुल गनी। सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, वो है ब्लू स्टैक किटकैट। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो डाउनलोड करके आप उसको सिंपली इंस्टॉल कर लीजिए। मेरा पहले से ये ब्लू स्टैक किटकैट का सॉफ्टवेयर है, इसीलिए मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करूंगा। उसके बाद इसको सिंपली क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, आई एक्सेप्ट पर मार्क कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक किया, ये देखिए इंस्टॉल पर क्लिक किया, प्रिपेयरिंग फॉर इंस्टॉल इंस्टॉल हो रहा है। ये देखिए ब्लू स्टैक ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ये इंटेलिजिंग हो रहा है। ये देखिए इंटेलिजिंग होने के बाद ये इस तरह का आ गया। उसके बाद आपको वन टाइम सेटअप करना पड़ेगा, तो जैसे यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर एक गूगल का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। आपका पहले से गूगल का अकाउंट नहीं है तो न्यू पर क्लिक कर लीजिए, या फिर आपको पहले से है तो एग्जिटिंग पर क्लिक कर दीजिए। मेरा पहले से है, मैं एग्जिटिंग पर क्लिक किया। ये देखिए ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, मैं दे देती हूँ। ये देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक किया, उसके बाद ओके प्रेस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक किया। ये देखिए किटकैट एंड्रॉइड ओपन हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, लाइक ज़रूर करिए। कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, तो नीचे कमेंट पर ज़रूर लिख के बताइए कि आपके वीडियो कैसे लगा। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं इसका सलूशन ढूंढ कर आपको देने में मदद करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।